जी शेख, मेरे कुछ मेरे बाबा के नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं शेख, जो हिंदू हैं। हाँ उन्होंने एक दो बार ऐसा किया शेख कि उनके जो बेटे होते हैं उनके फादर्स को ये बोला है शेख कि फलाना फलाना घर की लड़की जो शादी की उम्र की आ चुकी है, देखे आप जाकर रिश्ता कर सकते हैं क्या, करके उन्होंने ऐसा मशवरा दिया। तो ऐसा देना जायज है हमको या फिर इसे परहेज करना चाहिए? जजाकल्ला। जी शेख, हाँ, जो मैं समझ सकता हूँ कि इनके फादर के कुछ रिलेशन वाले हैं गैर मुस्लिमीन, तो उनको उन्होंने मशवरा दिया कि आप अपने बेटे का रिश्ता फला घर में ले जा सकते हैं उनके यहाँ, यानी किसी गैर मुस्लिम घर की तरफ उन्होंने रहनुमाई की। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके यहाँ शादियाँ होती हैं, वो उनके यहाँ जायज़ हैं, और इस तरह से दुनियावी मामलात में उनकी मदद करना और उनके साथ एहसान करना, उनके साथ भलाई करना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये बिर और एहसान का एक तरीका है। कुरान करीम की आयत है कि जी ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक्सितू इलैहिम। तो जो वो गैर मुस्लिमीन जो मुसलमानों के लिए जरर रसा नहीं है, आपके साथ जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आप उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं, आप उनके साथ भलाई का मामला कर सकते हैं, आप उनके साथ एहसान कर सकते हैं, कोई मामला है तो उनके साथ आप अदल वाला मामला कीजिए। तो ये सारी चीजें मतलूब हैं। देखिए, जो है जी बहुत सारे लोग ये गलत फहमी फैलाते हैं मुसलमानों के सिलसिले में कि गैर मुस्लिमों के सिलसिले में मुसलमानों का नजरिया ये है कि इनसे नफरत करो, इनसे नफरत करो और इनको नुकसान ही जी पहुंचाओ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, गैर मुस्लिमों के साथ इंसान होने के नाते हमारा दीन एहसान और भलाई का मामला करने का हुक्म देता है। बल्कि आपका पड़ोसी है, आप उसके साथ एहसान कीजिए, वो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। आपका कोई जानने वाला है, जी आपके जान पहचान वालों में से गैर मुस्लिम है, आप उसकी मदद कीजिए। तो ये भी उसकी एक मदद का तरीका है कि उसके लड़के की शादी के लिए आप किसी जो है की तरफ रहनुमाई करें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जी जजाकल्लाह खैर शेख।